सिविल अस्पताल घुमारवीं में स्थापित कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों, चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों को घुमारवीं व्यापार मंडल ने दोपहर तथा शाम के खाने की व्यवस्था की है। कोविड केयर सेंटर में करीब 100 लोगों को दोपहर तथा शाम का भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 14 दिनों से जो संस्था अस्पताल को भोजन की व्यवस्था करवा रही थी, उन्होंने किसी कारणवश इसे जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग द्वारा अनुरोध करने पर घुमारवीं व्यापार मंडल ने दोपहर और शाम के भोजन की व्यवस्था हेतु हामी भर दी थी। इसी कड़ी में व्यापार मंडल के सदस्यों के द्वारा अस्पताल के सभी मरीजों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, चिकित्सकों सहित करीब 100 लोगों के भोजन की व्यवस्था कर दी है। व्यापार मंडल द्वारा पैकेट में बंद कर भोजन हर व्यक्ति को अलग अलग से दिया जा रहा है। जैसे ही SDM साहब के द्वारा व्यापार मंडल घुमारवीं के लोगों को पता लगा कि यहाँ पर जो संस्था राशन, जो संस्था खाना देती थी, उसने असमर्थता जताई है खाना देने में, तो व्यापार मंडल और घुमारवीं के अन्य समाज सेवी जो व्यक्ति हैं, जो हमेशा किसी भी तरीके की मदद के लिए हमेशा आगे आए हैं और अब आगे आते रहे हैं, उनके सहयोग से व्यापार मंडल ने यहाँ पर खाने देने का फैसला किया है। जब तक आदमी कोई इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं हो जाता, तब तक व्यापार मंडल जो है ये खाना देता रहेगा। घुमारवीं के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी के आग्रह पर व्यापार मंडल घुमारवीं ने ये फैसला लिया था कि हम जब तक कोई व्यवस्था और ना हो जाए, तब तक व्यापार मंडल घुमारवीं अन्य समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलजुल करके खाने की व्यवस्था करेगा। व्यापार मंडल द्वारा इस कोविड महामारी में कोविड केयर सेंटर घुमारवीं के मरीजों को, मरीजों, डॉक्टरों, अटेंडेंट्स व अन्य स्टाफ को दोपहर व रात के खाने की जो व्यवस्था की जा रही है, वह एक सराहनीय कदम है।